2021 का पहला दिन है, लेकिन वर्ष 2020 की बात करें तो वत्स नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा के उद्योग, व्यापार, आमजन व राजनेताओं के लिए कोई खास नहीं रहा। वर्ष 2020 के मार्च माह में ही कोरोना की भीलवाड़ा जिले से शुरुआत हुई थी, जहां 20 मार्च से कोरोना की शुरुआत होने के बाद देश में एक समय भीलवाड़ा जिला हॉटस्पॉट जिला बन गया था, जहाँ वर्ष 2020 में यहाँ भीलवाड़ा शहर में 56 दिन तक कर्फ्यू रहा। जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की मेहनत के कारण कोरोना की चेन पर ब्रेक लगा और भीलवाड़ा मॉडल राज्य सहित पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी भीलवाड़ा मॉडल को लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की प्रशंसा की। वहीं वत्स नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा के उद्योग जगत की बात करें तो यहाँ लगभग 400 कपड़े की इकाइयाँ हैं। औद्योगिक इकाइयों पर मंदी के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं किसान अपनी उपज को कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से उपज को दूसरी जगह नहीं बेच पाए, जिससे किसानों को भी घाटे का सामना करना पड़ा। वर्ष 2020 भीलवाड़ा के लिए संकटग्रस्त रहा। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास ने बताया कि वर्ष 2020 नगरी के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा की बात करें तो बिल्कुल चिंतनीय रहा। भीलवाड़ा जिला देश में औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का कपड़ा पूरे विश्व देश में प्रसिद्ध है। आम आदमी को दिक्कत आई है, औद्योगिक इकाइयां ठप हो गई थी और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। भाजपा के पूर्व मंत्री कालाल गुर्जर ने वर्ष 2020 को लेकर कहा कि यह अत्यंत दुखदायी वर्ष रहा। कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली, भीलवाड़ा जिले में इस बीमारी ने दुख दिया। हमने भी हमारे समर्थकों व राजनीतिक मित्रों को खो दिया। कोरोना संक्रमण की वजह से भीलवाड़ा जिले के मजदूरों को भी काफी समस्या हुई और कोरोना के लिए एक समय भीलवाड़ा में भीलवाड़ा मॉडल बना था, जो यहाँ की जनता व प्रशासन की अथक मेहनत के कारण बना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्ष 2020 से 2021 का नया सवेरा अच्छा रहे। 2020 का जो साल है, भीलवाड़ा की औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा, जो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, आज देश दुनिया में प्रचलित है। जिस तरह के हालात रहे, आज सारी दुनिया में रहे, सारे देश में रहे, लेकिन मैं भीलवाड़ा जिले की बात करना चाहता हूँ। भीलवाड़ा जिला जो एक तरह से राजस्थान में औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ का कपड़ा विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। आज मयूर शूटिंग सेटिंग, DSL शूटिंग सेटिंग सारी देश और दुनिया में प्रचलित है, लेकिन ये 2020 का वर्ष इतना खराब साल इस जिले के लिए रहा, जिसमें हर वर्ग के आदमी को परेशानी आई, सारी इंडस्ट्रीज ठप हो गई, आर्थिक स्थिति से लोग चौपट हो गए और यही नहीं, राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ी क्षति इस भीलवाड़ा जिले को हुई है। भीलवाड़ा जिले में हमारे साढ़ा से कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी जी की कोरोना की वजह से डेथ हो गई। हमारे शाहपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे महावीर जिनबेर जी की डेथ हो गई और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे ज्ञात और अज्ञात लोग हैं जिनको इस कोरोना के काल ने ग्रसित कर दिया। हॉटस्पॉट जिला भी बन गया और हॉटस्पॉट जिला रहा, और भीलवाड़े के अंदर हॉटस्पॉट जिला तो रहा ही, लेकिन हॉटस्पॉट होने के बावजूद भीलवाड़ा मॉडल के नाम से बाद में देश और दुनिया में प्रचलित हुआ। यहाँ के चिकित्सा के मैं काम करने वाले कार्मिकों ने, अधिकारियों ने और दूसरे कुरियर्स ने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया, जिला प्रशासन ने, निश्चित रूप से पूरा भीलवाड़ा मॉडल बना, उसके बाद कंट्रोल हुआ और इसको सारे प्रदेश में और देश में इसको अपनाया गया और उसी के फलस्वरूप जयपुर में भी बाद में कंट्रोल हुआ, रामगंज में जो स्थिति बनी थी। सर, अब 2021 में आप क्या उम्मीद करते हो? मैं आने वाले वर्ष के लिए भीलवाड़ा जिले के तमाम लोगों को, चाहे वो किसी सेक्टर में काम करते हों, उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला 2021 इस 2020 जैसा नहीं आए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। इस बार 2020 अत्यंत ही दुखदायी रहा, क्योंकि इस साल में कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली। वैसे तो पूरा विश्व के लिए ही बेकार रहा, लेकिन विशेष तौर से राजस्थान व भारतवर्ष और इस भीलवाड़ा जिले के लिए बहुत ही ये साल जो है निराशाजनक रहा, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी लोग जो है दुख पाए। लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में हमारे कई समर्थकों को खो दिया,
इस साल में हमारे राजनीतिक मित्र भी कई लोग चले गए। विशेष तौर से हमें दुख है कि हमारे सहाड़ा के विधायक जो हमारे साथ रात दिन रहते थे वो इस कोरोना की वजह से चले गए। ऐसे ही एक किरण मैसरी जो मेरे साथ विधायक रही और मंत्री भी रही वो भी हमारे को छोड़ के चली गई। इस तरह से और भी लोग गए हैं। तो ये बेकार रहा। भिलवाड़ा के लिए विशेष तौर से मैं कह सकता हूँ कि कोरोना के कारण लोग बहुत दुख पाए, चाहे बाहर मजदूरी करने वालों में या आने में अपने घर आने में दिक्कत आई हो, बाहर से जो आए उनके साथ कोरोना लाने के कारण हॉटस्पॉट जिला भी बन गया। यहाँ के लोगों के अंदर जो है बहुत बड़ी समस्या रही, हॉटस्पॉट जिला रहा। लेकिन विशेष तौर से फिर भी भिलवाड़ा के जनता ने और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अच्छा काम करके और कोरोना पर प्रथम अटैक में हमने बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेकर के उसके ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए भीलवाड़ा मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में सराहा गया था। तो ये 2021 की क्या काम तो इस तरह का ये रहा। और विशेष तौर से मैं भीलवाड़ा के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो धंधा है वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ, इसलिए इकोनॉमिक दृष्टि से भी इस जिले में भारी नुकसान हुआ। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रभावित से प्रार्थना करता हूँ कि अगला साल बहुत अच्छा है और इतना अच्छा है कि हम इस कोरोना के दुख काल में जो दुख पाए उस दुख को हम भूल जाएं और हमारा देश वैभव पर जा आगे बढ़े। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नाम ऊंचा करने के लिए जो जो कदम कोरोना के बावजूद भी उठा के और देश का मस्तक ऊंचा किया वो हमेशा के लिए आगे बढ़े।